बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। और आज दोस्तों हम बात करेंगे आलमी मुआहिदा की, जो बच्चों के राइट्स के लिए बनाया गया। आलमी मुआहिदा से मुराद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और आज हम इसके आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे। आर्टिकल 18 में वालदैन की जिम्मेदारी बताई गई है कि बच्चों की अच्छी तरबियत और बेहतर देखभाल वालदैन की और सरपरस्त की बुनियादी जिम्मेदारी होगी। हुकूमत हर तरह से मदद करेगी ताकि वालदैन ये जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी कर सकें। इसमें गवर्नमेंट को भी बाउंड कर दिया गया है और पेरेंट्स को बताया गया है जी कि आपकी अवलीन जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की देखभाल करें, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखें, उनकी तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखें और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। और जो स्टेट है, कोई भी स्टेट जिसने इसे साइन किया हुआ है, इसे रेटिफाई किया हुआ है, वो बाउंड है कि वो पेरेंट्स की मदद करेगी और इसमें वो फैसिलिटेट करेगी वालदैन को ताकि वो अच्छे अंदाज में बच्चे की जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें।